दर्शकों, हम रोजाना की तरह हाजिर हैं, लेकिन राशिफल। राशिफल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज रविवार 9 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, आज अपनी वाणी पर संयम बरतने से वाद विवाद की संभावना कम हो जाएगी। आज सारे आर्थिक कार्य भी सुख पूर्वक संपन्न होंगे। रोमांटिक जिंदगी में बदलाव मुमकिन है। कामकाज में कोई भारी गलती हो सकती है। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है। दूर के स्थानों में दूर संचार द्वारा संपर्क होगा और वह लाभदायक रहेगा। काम के बीच बीच में थोड़ा आराम करें और देर रात तक काम ना करें। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए। परिवारजनों के साथ संबंधों में नकारात्मकता का प्रवेश ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। आज घर में सदस्यों के साथ उग्र चर्चा या वाद विवाद हो सकती है। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज पारिवारिक समारोह और महत्वपूर्ण अवसरों के लिए अच्छा दिन है। नई योजना बनेगी। आप खुद पर नियंत्रण रखें, ज्यादा क्रोधित ना हो, वरना इससे बनते काम बिगड़ सकते हैं। आर्थिक कारणों से परेशान रहेंगे। आज आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आपके साथ आपके रिश्ते में भी खटास आ सकती है। जीविकोपार्जन के लिए किए गए उपायों का लाभ लेने का समय है। मन प्रसन्न रहेगा। मेहमानों की आवाजाही से घर में उल्लास का माहौल रहेगा। आपकी वाणी के प्रभाव से अन्य लोगों को मोहित कर सकेंगे। आप नए कार्यों का आयोजन सफलतापूर्वक करेंगे। मिथुन राशि, गणेश जी कहते हैं आज निर्धारित कार्य संपन्न न होने की वजह से निराशा बनी रहेगी। खर्च भी बढ़ेगा। वाहन से सावधान रहें, चोट भी लग सकती है। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आपके अतिरिक्त काम करने की क्षमता उन लोगों को चौंका देगी। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। आज आपको अधिक विचारों के कारण मानसिक थकान से नींद नहीं आ सकती है और इसका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है, लेकिन शाम होने तक सेहत में सुधार होगा। कर्क राशि, आज आपके कार्य विलंब से पूरे होंगे। परिश्रम तो अधिक करेंगे परंतु फल कम मिलेगा। परिवार के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जीवन साथी के साथ गलतफहमी के कारण विवाद संभव है। समाज में अग्रिम स्थान प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना हो सकता है। बुजुर्गों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। मित्र मंडल में नए मित्र जुड़ेंगे। नौकरी व्यवसाय में आय वृद्धि का योग है। आज छुपी हुई कुछ बातें भी आपके सामने आ सकती हैं। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थता और मानसिक चिंता बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अब आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपके आय के साधन में वृद्धि होगी। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, साथ में गरीब कन्याओं को भोजन खिलाएं, लाभ होगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है। जोखिम भरे कार्य नुकसान दे सकते हैं। दूसरों के विवाद से बचें। यात्रा आपके लिए आनंददायक रहेगी। सहन शक्ति से काम लें। कार्य क्षेत्र में दूसरों के सामने अपने को असहज महसूस न होने दें। अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करें। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। आज निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आएंगे उन पर विचार करें। कन्या राशि, आज आपका रुझान अध्यात्म की ओर रहेगा। आप अपनी जिंदगी में धर्म के महत्व को भी जानना चाहेंगे। इस राह पर चलने से आपको खुशी मिलेगी। आप में समर्पण की सद्भाव भावना आ रही है। आने वाले समय में आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों से मिलें, अपने मन की बात शेयर करें, तनाव भी कम हो जाएगा। आप सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। पराक्रम की वृद्धि होगी, सामाजिक स्तर बढ़ेगा। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों का हाल। आज आप जुबान पर काबू रखें, वरना अपने प्रियजनों को ठेस पहुंचा बैठेंगे। प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें। जटिल कार्यों का निष्पादन होगा और लाभदायक उपक्रमों का संचालन भी होगा। आज के दिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन की हानि हो सकती है। किसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होगी। सोच समझ कर लिए गए निर्णय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। बहुत ज्यादा काम करने से बचें, क्योंकि यह सिर्फ आपको तनाव और थकान ही देगा। आज आपको निर्णय सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
इसके लिए भी आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, गणेश जी कहते हैं आज आप अपने जीवन में धर्म के महत्व को जानना चाहेंगे। इस राह पर चलने से आपको खुशी व शांति मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को चुनें जो सही मायने में अपनी और आपकी इज्जत करे और आने वाले समय में खूब खुशियां दे। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई में खुद को आगे पाएंगे। आप शायद अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ लम्हा बिता सकते हैं। इसे मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मन की विद्याएं आप पर निर्णय शक्ति का अभाव पैदा करेंगी। परिणाम स्वरूप उलझन का अनुभव होगा। तबीयत थोड़ी नरम गरम रहेगी। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। इससे बचने के लिए कहीं बाहर जाएं और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे वहीं से नई दोस्ती की शुरुआत होगी। ज्यादा काम करने से बचें और चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा होगा आज आप किसी बेकार की बहस में ना पड़ें। धैर्य और नम्रता से काम लें। धन संचय होगा। जिन क्षेत्रों में प्रयास करेंगे उसमें पूर्ण सफलता मिल सकती है। शैक्षिक कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य की अधिकता के कारण व्यर्थ की चिंता हो सकती है। अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दें। दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा। मदद भी मिलेगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज नए कार्यों का शुभ आरंभ करने के लिए समय शुभ है। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद खत्म कर आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलाप होगा। वस्त्र आदि के पीछे खर्च हो सकता है। आप मित्रों के साथ किसी पर्यटन स्थल पर घूमने फिरने का आनंद उठा सकेंगे। एक तरफा प्यार आपको निराश कर सकता है। वैचारिक रूप से दृढ़ता रहेगी। आज आपका सृजनात्मक प्रवृत्तियों में मन लगा रहेगा। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। अगर आपने ज्यादा खुले दिल से पैसे खर्च किए हैं तो आप आर्थिक तौर पर बाद में समस्या का सामना कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों का हाल। आज आप अपनी जिंदगी को लेकर कुछ तनाव में रहेंगे। तनाव कम करने के लिए आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जा सकते हैं जिसके चलते आपका तनाव थोड़ा कम होगा और जब आप वहां से लौटेंगे तो काम में आपका मन लगेगा। अगर आप किसी सामाजिक समारोह में जा रहे हैं तो वहां आपको बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आज आप तन मन से थकान तथा बेचैनी का अनुभव करेंगे। संतान की समस्या आपको चिंतित कर सकती है। नौकरी में उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद होने से उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। कार्यों के प्रति जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। आपको अपने घर में भी जिम्मेदारी का एक बड़ा बोझ तले दबकर रहना पड़ सकता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको घबराने की जरूरत है। थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज धन संपत्ति से जुड़े कार्य आपको सफलता प्रदान करेंगे। अगर आपने कोई काम बहुत समय और ऊर्जा के साथ पूरा किया है तो उसका पुरस्कार आपको मिल सकता है। जो बात काफी समय से करना चाह रहे थे वह कह डालने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। बहुत उलझन भरे मामले को सुलझा सकने में सफल रहेंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान के योग है। स्वास्थ्य व प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायी होगी। ऑफिस में उच्च पदाधिकारियों की तरफ से प्रोत्साहन मिलने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई परियोजना का प्रारंभ करने के लिए आज का दिन शुभ है। यदि आप कारोबार करते हैं तो आज कोई भी नया काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। हो सकता है आज के दिन आपको एक इतना बड़ा ऑफर मिल जाए कि आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़े और इससे आपको बहुत ज्यादा आपके जीवन में चार चांद लग जाएं। तरक्की आपके कदम चूमने लगेगी। आज का दिन आपकी संतान की ओर से भी आपको सुखद समाचार दे सकता है। आपके बच्चे किसी पढ़ाई या किसी भी पेपर की या फिर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी बड़ा लाभ होने के योग बनते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आपके समाज में आपका नाम रोशन होगा। साथ ही आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जीवन भर आप अब मजे की करने वाले हैं। तो दर्शकों, हमने आपको बताया आज के राशिफल के बारे में। ऐसे ही धर्म कर्म और राशिफल से जुड़ी तमाम अहम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए देखते रहें हमारा चैनल। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर,
वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।